के चौहानवी सर। आज हम मनुष्य में पाचन डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग ये पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि कैसे मनुष्य का पाचन तंत्र होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा टॉपिक, बड़ा टॉपिक है और इसकी वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, वो आप देख सकते हो रिटर्न के लिए नोट्स वहाँ से। तो आज समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं? पहले तो मनुष्य के पाचन तंत्र में मुंह आता है। तो मुंह में क्या होता है? दांत होते हैं, साथ ही लार ग्रंथियाँ होती हैं, तीन जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, एक जीभ होती है। तो लार ग्रंथियों का काम होता है लार बनाना। आपने देखा होगा जैसे भोजन आपके सामने आता है तो आपके मुँह में पानी आ जाता है, तो ये लार ग्रंथियाँ जो हैं वो लार को बनाती हैं और वो ही पानी हमें मिलती है। ये लार ग्रंथियों में अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट करता है। देखो भोजन को जब हम चबाते जाते हैं तो एक मिठास आनी शुरू हो जाती है, तो वो मिठास जो है इस जो स्टार्च है भोजन में उस जब शुगर में कन्वर्ट होती है, माल्टोज में कन्वर्ट होती है, तो हमें उसकी मिठास आती है। तो टीथ का क्या काम है? टीथ जो है वो भोजन को चबाने का काम करती है और जो जीभ है वो भोजन को दांतों के नीचे लाने का काम करती है, टेस्ट भी बताती है। उसके बाद भोजन जो है इस पाइप में आता है, ये पाइप हमारे गले, ये तो आके सांस ना लिए, इसके पीछे पाई जाती है, तो ये फूड पाइप इसको बोलते हैं ओसोफेगस। तो ये ओसोफेगस में से भोजन जाता है। इसका काम मुँह से भोजन लेना है और अमाशय में पहुँचाना है, इसका और कोई काम नहीं। यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है जो भोजन को नीचे ही जाने देती है, ठीक है, ऊपर से भोजन नीचे आता है और यहाँ पर एक वाल्व होता है और ये वाल्व भोजन को नीचे तो जाने देता है पर ऊपर की ओर नहीं आने देता है। तो ये अमाशय जो है वो जे के आकार की, देखो एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर है। तो अगर हम अमाशय को कहें कि ये क्या है, ये क्या काम करता है, जैसे ही भोजन आता है, जब आया हुआ भोजन मुँह में, चबाया भोजन लार मिली, ठीक है, और अभी वो मोटा भोजन है ना, इतना बारीक नहीं हुआ, तो उसको हम बोलस बोलते हैं। तो ये बोलस जो है इसमें जब आता है अमाशय में, तो अमाशय की दीवारें जो होती है ना उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड इसमें पाई जाती है। अमाशय की जो इनर होल्स है, ये बाहर है ना, ये तो बाहर से मैं दिखा रही हूँ स्ट्रक्चर आपको, इसके अंदर जो होल्स होती हैं उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जठर ग्रंथियाँ। ये जठर ग्रंथियाँ क्या करती हैं? एक रस बनाती है जिसको जठर रस कहते हैं। इस रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पाया जाता है, ठीक है, और भी एंजाइम पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन को पीसने का काम करते हैं, पीसते जाते हैं भोजन को, जठर रस मिलता जाता है और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो वो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान कर देते हैं, क्योंकि अम्लीय माध्यम में ही जो ये छोटी आंत रस बनाएगी ना, जो इंटेस्टाइनल जूस बनाएगी, वो तभी कार्य कर पाएगा जब यहाँ पर अम्लीय माध्यम होएगा। और साथ ही मुंह से जब भोजन हम ग्रहण करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया भी मुंह में आ जाते हैं, तो उन बैक्टीरिया को भी ख़त्म करना, जीवाणुओं को ख़त्म करना भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ही कार्य है। तो यहाँ पर भोजन जो है इतना बारीक पीसा जाता है, जैसे जैसे आप दलिया खाते हो ना, सेमी लिक्विड बन जाते हैं, तो इसको हम काइम बोलते हैं। यहाँ पर तो बोलस बोला था ना हमने, तो यहाँ पर काइम बन जाते हैं। तो काइम जो है अब यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसके बाद काइम ने कहाँ पे जाना है? छोटी आंत में जाना है। तो हमारे शरीर में एक छोटी आंत है और एक बड़ी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर है, हमारी 5.5 मीटर की होती है ना, तो ये 5 मीटर से भी ज़्यादा, 7 मीटर के करीब है। और ये जो ये बड़ी आंत है, ठीक है, बड़ी आंत की लंबाई जो है वो लगभग 1.5 मीटर होती है, तो टोटल 1.5 से 2 मीटर। तो टोटल जो छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई जो है वो 9 मीटर के करीब हो जाती है, 2 साड़ियों के बराबर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये भोजन छोटी आंत में जैसे ही आता है तो छोटी आंत में इंटेस्टाइनल जूस बनता है। तो छोटी आंत का ये फर्स्ट पार्ट जो है ना, ये यू के आकार का है, इसमें एक ग्रंथि आपको दिखाई दे रही है, इसको पैनक्रियास बोलते हैं, ठीक
ठीक है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसको लीवर बोलते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम लीवर है। तो लीवर भी रस बनाता है, पैनक्रियाज भी रस बनाता है, तो ये रस जो है दोनों इकट्ठी हो जाती है स्प्लीन में, तो ये स्प्लीन में रस इकट्ठी हो जाती है, तो इसको इस रस को हम बोलते हैं बाइल जूस। तो ये बाइल जूस स्टोर होके पड़ा रहता है, जब जब जरूरत होती है तभी तभी इसकी इसका उपयोग किया जाता है, अदरवाइज ये ऐसे ही पड़ा रहता है। ये पैनक्रियाज जो है ये दो प्रकार का काम करता है, एक तो जो भोजन के पाचन में ये पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, ठीक है, तो ये पैनक्रियाटिक जूस जो है एक डक्ट के द्वारा, एक नली के द्वारा इसमें मिला दिया जाता है, ठीक है, सीधा इसमें मिला दिया जाता है और भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। एक पैनक्रियाज जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करता है, ये हार्मोन बनाता है, कौन सा हार्मोन बनाता है मैंने आपको बताया हुआ है, इंसुलिन हार्मोन बनाता है। ये इंसुलिन हार्मोन जो है ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज के शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। जिन लोगों में ये पैनक्रियाज सही तरीके से काम नहीं करता है उनको शुगर की बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं तो वापस इसी टॉपिक पे आते हैं, तो ये रस बना के इसमें मिला देते हैं। अब भोजन किस में आ गया, छोटी आंत में आ गया, छोटी आंत में भोजन का पाचन कम्प्लीटली किया जाता है, इसमें प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, सारे तरह का पाचन हो जाता है, और भोजन का पाचन होने के बाद फिर भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में ही कर लिया जाता है। छोटी आंत जो है क्योंकि बहुत लंबी है मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो छोटी आंत की जो आंतरिक दीवारें हम देखते हैं ना उसमें अंदर की ओर ना उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं जिसको हम विलाई कहते हैं, तो ये विलाई पचे हुए भोजन को अवशोषित करती जाती है, और विलाई में बहुत सारी रक्त वाहिकाएँ भी आती हैं, ये रक्त वाहिकाएँ उसको पचे हुए भोजन को जो ग्लूकोज के रूप में है, शुगर के रूप में है, उसको लेकर शरीर की कोशिकाओं में जाता है और कोशिकाओं में उसको रख देता है, स्टोर कर देता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भी हमारे लंग्स में आती है, लंग से फिर ब्लड के द्वारा उस ऑक्सीजन को लेकर ब्लड जो है सभी कोशिकाओं में जाता है जहाँ भोजन पड़ा, तो फिर उस भोजन का क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है, और ऑक्सीकरण करके भोजन का क्या पैदा की जाती है, ऊर्जा पैदा की जाती है। उस ऊर्जा का उपयोग हम लोग बोलने के लिए, काम करने के लिए, भागने के लिए, पढ़ने के लिए करते हैं। अब मैं बोल रही हूँ तो ऊर्जा का प्रयोग कर रही हूँ ना, आप लोग लिख रहे हो तो आप भी ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हो, तो ऊर्जा का प्रयोग फिर हम कर लेते हैं। कुछ भोजन जो अभी ज़रूरत नहीं है हम ज़्यादा खा जाते हैं, वो भोजन हमारे शरीर में जो है वो स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कभी कभी हम फास्ट रखते हैं या बीमार हो जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा फूड जो है वापस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उसका क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण करके ऊर्जा पैदा हो जाती है। तभी हम एक दिन, दो दिन, चार दिन फास्ट रखते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद फिर जब हमारी भोजन जो हमारी बॉडी में स्टोर भोजन है वो भी ख़त्म हो जाता है तो हम फिर कमजोरी फील करते हैं, ठीक है। तो ये था भोजन का छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत के बाद भोजन फिर बड़ी आंत में आता है। जब हम आदिवासी थे, कच्चा भोजन खाते थे, तब भोजन पहले इसमें आता था, ये है अपेंडिक्स। ये हमारे शरीर में आज इसका कोई उपयोग नहीं है, ये हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं उस फॉर्म में पड़ी है। पर जब हम जंगल में रहते थे, कच्चा भोजन खाते थे, तो इसमें सेलुलोज का पाचन होता था। आजकल इसमें भोजन के कारण नहीं जाते हैं तो भोजन डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है। तो ये बड़ी आंत का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, और ये लास्ट पार्ट है भोजन का, भोजन नली का, बड़ी आंत का। तो भोजन, इसमें भोजन का पाचन तो नहीं होता है, यहाँ पे भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है, इवन अवशोषण भी 99% कंप्लीट हो जाता है यहीं पर। यहाँ पर जब भोजन होता है, अगर भोजन में ग्लूकोज या पानी भी अगर बचा हुआ है तो उसका भी अवशोषण कर लिया जाता है। शेष अनपचा भोजन जिसकी कोई भी यूज नहीं है, ऐसा भोजन जो है वो फिर रेक्टम में या मलाशय में इकट्ठा हो जाता है,
और जब मलाशय पूरा भर जाता है तो फिर इसको हम मल द्वार या एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये था मेरा थोड़ा थोरो स्टडी, ठीक है। अगर आपने रिटर्न इसके क्वेश्चन लेने हैं तो आप मेरी वीडियो देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।